असलम व्यूअर्स वेलकम टू माई चैनल सो हेयर अगेन आज मैं एक न्यू चीज़ लेकर आई हूँ आपको सिखाने के लिए तो मैं स्पंच बॉब में जो क्रिस्टिक्रैब है वो बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने फॉमिक शीट ही यूज़ किया है तो फॉर्मिक शीट से पहले मैंने उसके फैंस बनाए देन उसकी शर्ट एंड देन उसका फेस एंड नाउ अब ए ब्लैक कंप्यूटर शीट से उसका बेल्ट बना रही हूँ तो ये मैंने इस तरह से इसके बेल्ट काट के मैंने लगा दिया है तो अब मैंने ये इसके बेल्ट के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो लगा दिया मैं इसके आर्म्स एंड हैंड्स पे वर्क कर रही हूँ सो फॉर देट पहले मैंने इसको रफली ड्रॉ कर दिया कॉमिक शीट पे ही किया मैंने तो ये रफली मैंने जब ड्रॉ कर लिया तो इसको मैंने आउटलाइन ले लिया पहले आउटलाइन करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी सो so, इसी तरह मैंने दूसरा भी बना दिया इसका आर्म सो एज यू कैन सी मैंने हाफ ऑफ द क्रिस्टिक क्रिस्टिक्रैब सॉरी uh, करा मैंने कंप्लीट कर दिया सो so अब मैंने ये इनको इनकी पेस्टिंग करनी है तो इनकी पेस्टिंग करने के बाद ये मैं कुछ ऐसा दिखेगा सो so, अब मैंने इसके फेस पे वर्क करना है तो उससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं इसकी फीट बना दूँ तो ये मैंने फीट इसी स शीट से कट करके इसको बना दिया है वो सो so सिंपल तो ये मैंने इसके फीट भी बना दी है ना आम गोना वर्क ऑन इट्स फेस तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आइस कट की ग्रीन कंप्यूटर शीट से तो वो करके इसके बाद मैंने फोमिंग शीट से इसकी नोज़ कट करके इसके ऊपर लगा दिया ऐसे करके सो so, ना अब मैंने वाइट कंप्यूटर शीट के सर्कल्स कट कर करके इसकी आइस की डिटेलिंग रही हूँ मैं कुछ ऐसे दिखेगा ये उसके बाद मैंने इसकी आईब्रोज़ की भी कटिंग करके फॉर्मिक शीट में अलग से ड्रॉ करके उसकी कटिंग करके अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है यू एच यू ग्लू से ये ग्लू स्टिक से नहीं पेस्ट होंगे प्लीज़ यू एच यू से ही स्टिक होते हैं बिकॉज़ ये फॉर्मिक शीट और ये कंप्यूटर जो पेपर होते हैं एक दूसरे के साथ यू एच यू से ही पेस्ट होते हैं सो नाउ वी गोइंग टू वर्क ऑन आइज हम इसकी डिटेलिंग करेंगे तो ये ऐसे इसके राउंड हमने सर्कल ड्रॉ करना है सर्कल ड्रा करके हमने इसके अंदर से इसकी आइज फिलअप कर देनी है सारी कुछ ऐसा दिखेगा ये देखिए ये सारा आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल थी सो so, ये yeah, मैंने इसका माउथ भी बना दिया और इसकी टीथ बना दिए सो so, सारा कंप्लीट हो गया ना मैं थोड़ी डिटेलिंग के लिए इसके पैंट्स की जिप जो होती है वो बना रही हूँ और मैंने उसको पहले रफली पेंसिल से ड्रा कर लिया था और ना अब मैं मार्कर से उसको आउटलाइन दे रही हूँ और ये मैंने दे दिया आउटलाइन एंड ना ये यहाँ पे भी नीचे भी मैंने इसको थोड़ा सा डिटेलिंग दे दिया डिटेलिंग देने से आपकी जो है ना अच्छा लगता है सारा पिक्चर जो भी आपने चीज़ बनाई होती है सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने ख्याल रखिएगा टेक केयर बाय बाबा हाफिज़